सर के लिए मैंने ना तुझे पीट देना है, ये लड़ाई करवाएगा कर हमारी। गुड मॉर्निंग एमजी फैमिली, होप दैट यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और घर आते ही सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हमारी हो रही है वो है ओम धातु का काम। इधर आदित्य और मैं लगे हुए वो सारा काम हैंडल करने और घर वालों के साथ, और उधर ओंकार लगा हुआ है अपने स्टूडियो की तैयारी करने में। तो वी आर सुपर 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 बिजी। तो अभी नहा धो के तैयार होके फटाफट जाना है हमें ओम धातु के ऑफिस। एंड लिटरली माय डे इज इनकम्प्लीट विदाउट दिस रेड टी। और काफी लोगों ने रिव्यूज दिए कि उनको चाय बहुत ज्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच। अब मैं ज्यादा लेट हो रही हूँ, जल्दी फटाफट तैयार। इससे पहले मुझे पड़े मम्मी से डांट। मम्मी और मैं खाना वाना खा कर निकल गए ऑफिस के लिए, और अब मैं आपको मिलूंगी ये सारा काम निपटाने के बाद। तो बच गए 3:30 और फाइनली अब जाके मैं पहुंची हूँ घर। तो आराम से बैठ के पहले मैं चाय वाय पीऊंगी। और यहाँ बेचारा टैडी घर पे था अकेला। टैडू, दीदी को पाली निकलेगा। टैडी तुझे पता है लोगों ने तुझे कितना मिस किया, कह रहे थे वे मिस टैडी। टैडी आजकल हमें वीडियोज में नहीं दिखता है, पता है। आजू मुझे पारी करो आके। कम कम स्कूबी दूंगी, स्कूबी बेस्टी। इसको पता नहीं, इसको ना वहाँ पे क्रियोन्स पड़े थे और ये फिल इन द ब्लैंक्स पड़े थे। फिल इन द ब्लैंक्स, आदित्य इसको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बोलते हैं। बचपन बहुत ट्रॉमेटाइज्ड होता है ना, उनके माँ बाप उनसे ये चीज नहीं करवाते, तो ये बुढ़ापे में आके करते हैं। बुढ़ापे में आके, आपका बुढ़ापा आया, मेरी जवानी आई है। प्लीज जो भी जिसको भी ये पेंटिंग पसंद है इसको मैं ऑक्शन में लगाने वाली हूं। पेंटिंग नहीं, तूने सिर्फ हल्के से कलर मारे, उसको पेंटिंग नहीं बोलते हैं। मेरी मेहनत है। क्रेयॉन मार के बोल रही है। मैंने अपनी नाजुक सी उंगलियों से पेंसिल कर नाजुक सी उंगलियां। किसी को खरीदना है खरीद लेना, टूटी हुई उंगलियों से 1.5 CR से स्टार्ट होगा। इसको बाहर फेंको, ये करोड़ों में बात करने वाले लोगों के यहाँ से बाहर फेंको। चलो ₹1 से स्टार्ट कर देते। ऐसे लोग होते हैं, दुकानदार पहले बोलते हैं 500 की चीज, फिर बोलते हैं भैया ₹50 में ले जाओ। आप जानो प्लीज। ये देखो हमारा लाडला बिगड़ा हुआ कुत्ता। टैडी अगर मम्मी ने देख लिया ना तो बेड पे चढ़ा हुआ है, तेरी ऐसी ऐसी वो होगी ना, शामत आएगी। शामत शामत आएगी। हाँ चढ़ जा दीदी के ऊपर, चढ़ जा टैडू। टैडी हे भगवान। टैडी आ चुका है। हमने तेरी जैसी बकरी देखी थी उधर एक। और पता है मुक्ति दी क्या बोलती है कि उसको बकरी को ले जाते हैं, टैडी को यहाँ छोड़। हाँ टैडी देख ले, हमने तुझे रिप्लेस करने का सोच लिया था बकरी के साथ। तेरी मुक्ति दीदी, तेरी प्यारी मुक्ति दीदी। बेड से उतरो बेटा, ये इंसानों के लिए होता है पता है तुझे। डॉगीज के लिए अलग बेड होते हैं, डॉगीज के लिए अलग बर्तन होते हैं, पता है। देखो ले आओ बेचारे के लिए बिस्तर। बिस्तर तो दिया नहीं उसको, टैडी के लिए अलग बिस्तर होते हैं, है ना टैडी। हाँ ये किसी ने नहीं समझाया तुझे बचपन में क्या। चल उतरो यहाँ से, उतरो उतरो, चलो। ये अंगड़ाइयां, मतलब ये अंगड़ाइयां लेती मुझे तू जोर जोर से। ओ आह की आओ। फाइनली मम्मी जी आ चुके हैं घर और ये लगा हुआ अनुपमा। मम्मी खा रही है खाना, टैडी टैडी बस कर। हाय रब्बा। अभी मैंने पूरी पीठ सीधी भी नहीं की थी और ओंकार का आ गया कॉल कि वो मुझे पिक करने आ रहा थोड़ी देर में, क्योंकि हमने लेने हैं कर्टेन अपने स्टूडियो के लिए, घर के लिए, जो मर्जी बोलो। और ये रहा हमारा टैडू गौतम बेहोशी की हालत में। टैडू तू ऐसे क्यों गिला हुआ है, हाँ गिगी गिगी होगी, गिर गया। अच्छा रेस्ट कर। मैंने फटाफट बनाई है ब्लू टी। मैंने सोचा कि इससे पहले ओंकार आए मैं फटाफट चाय का प्याला पी लूं। और यार लिटरली इस ट्रिप में इतना ज्यादा जंक फूड खाया, इतना ज्यादा जंक फूड खाया, मतलब लिटरली जो चीज मैंने कभी लाइफ में इतनी नहीं खाई ना वो मैंने आज इस ट्रिप में खाई। और घर पे हलवा पूरी देख के अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा कितनी अनहेल्दी डाइट चली हुई है। और काफी लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या जो आपकी ब्लू टी और रेड टी है क्या उसमें आप कलर गुलाब मिलाते हो। तो पहले बता दें भाई साहब, ये फूलों का रंग है 100% आयुर्वेदिक, 100% नेचुरल। तो ओंकार का आ चुका फोन, मुझे जाना नीचे और ये चाय खोजी देते हैं। हेलो ओंकार, कैसे हो? बहुत बढ़िया। और बताओ कैसे हो? मैंने ना अपने दर्शकों के साथ एक बात बयान करनी थी, शेयर वो ये थी कि हाँ? मैंने सोचा था हम लद्दाख से जब वापस आएंगे ना मैं लद्दाख को बहुत ज्यादा मिस करूंगा, बट ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा। सही बात है, मतलब ये मिस करने के लिए भी टाइम नहीं है। टाइम नहीं है सीरियसली, अपने स्टूडियो के लिए, घर की तैयारी में, इसकी फैमिली उधर एंगेज है, हमारी फैमिली हमारे काम में एंगेज है,
मतलब इतने ज्यादा सुपर बिजी है ना, मतलब सोचा नहीं था आने के बाद इतने ज्यादा बिजी होंगे क्योंकि काम बहुत ज्यादा पेंडिंग थे, सब में उलझ गए हुए। और एक और अपडेट देनी थी आपको, जो हमारा आने वाला नया घर स्टूडियो है उसका वो हो गया हुआ है पाठ वगैरह, जैसे आप लोगों के घर गृह प्रवेश वगैरह टाइप होता है, मतलब एक तरीके से पूजा हो चुकी हुई है, वो वाला चीज हो गया हुआ है, अब बस थोड़ा बहुत फाइनल टचेस रह गए हैं और वो जल्दी करके फिर आपको दर्शन देंगे अपने नए दर्शन देंगे। और फूडी वी की अब जो वीडियो बनेगी उधर ही बनेगी, तभी डिले हो रहा है यार। और जब तक फूडी वी की वीडियो नहीं आ रही, प्लीज आप में से जरा 20-30 हजार लोग फेक अकाउंट बना के 1 मिलियन करा दो यार फूडी वी के, तब तक मतलब अच्छा लगेगा ना, न्यू वीडियो तब आ रही है जब 1 मिलियन हो गए। फूडी वी छोड़ो, इधर मैंने अपने चैनल पे मुझे लग रहा है 1 महीना हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है, जितने डाले को बहुत टाइम हो गया। मैं मतलब मुझे लिटरली मुझे सोचने का भी टाइम नहीं है कि मैं क्या वीडियो बनाऊं क्या डालूं, मतलब इतना ज्यादा ब्रेन ऑक्यूपाइड है। और आज हमने लेने हैं पर्दे लेने हैं, तो पर्दों के लिए मैं ना एक्चुअली गया था दोपहर को, मैं गया, मैंने सोचा मैं ही पर्दे फाइनल करता हूँ, मुक्ति तो बिजी है भाई, मैं गया मैंने वहाँ पे देखे पर्दे। अच्छा। मैंने देखे, मैंने सोचा भाई साहब वैरायटी होती है, 2-4 चीजों में से चीज सिलेक्ट की, वहाँ पे 100-200 वैरायटी। मैंने कहा ये तो लड़कियों का काम है, मैंने कुछ ले लिया ना भाई साहब ताने अलग पड़ेंगे, पैसे अलग खर्च होंगे, मैंने कहा मुक्ति को लेके जाऊंगा। पर्दे इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बाइंग सूट है ना, क्योंकि इतनी वैरायटी प्रिंट्स ये और वो कपड़ा। काम लड़कियों से बेटर कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, लड़के सिंपल रहते हैं, उन्होंने अगर सूट भी सवाना है भाई नीला काला ब्राउन ऐसे इस तरीके से। बात बताऊं, तुम पर्दे लेने जाओगे ना, तुम हो सकता है 2 सेकंड में चूज करोगे हाँ चलिए मैं कर लेना था, पर लड़की अगर जाएगी ना वो आपको 2 दिन लग जाएंगे। लड़कियों को लेके आने का ना नुकसान, 1 कॉपी 2 कॉपी 3 कॉपी 4 कॉपी 5 कॉपी वहाँ पे और कॉपियाँ, मतलब कॉपियों की कॉपी खुलवा दी हुई है। मैम कोई सिलेक्ट किया कोई? सिलेक्ट कर लिए मैंने। अच्छा कुछ नहीं किया, घट्टा और कॉपियां खुलेगी अभी, किताब मतलब इतनी कॉपियां ना एग्जाम के टाइम पे नहीं खुली होगी। ट्वेल्थ के पेपर में ऐसी पढ़ती थी, मेरे ऐसे किताबें लगी होती थी, कभी नहीं नंबर आते थे मेरे। ये तू तो अच्छे नंबर लेके आई है। उजाले में ना दुकान के अंदर गए थे और अंधेरे में बाहर निकले, मतलब ऐसी एकदम बाहर निकल के ना लग रहा है इतना ज्यादा टाइम लग गया। ये लड़की ना चीजों को इतना ओवर एग्जेजरेट करते हैं, ऐसे फैला फैला के बताएंगे। सनसेट होने में कितना टाइम लगता है? 50 घंटे लगते हैं? नहीं, थोड़ी देर लगता होगा। हे भगवान, और अंदर 1.5-2 घंटे लगाए हैं मुक्ति तूने, मतलब पसंद ही नहीं आ रहा कुछ मैडम, पसंद ही नहीं आ रहा। ये देखो एक दुकान में सब कुछ ले लिया, सच्ची में अचंभित रह गया हूँ। करना चाहिए तुम्हें, अप्रिशिएट करता हूँ। यकीन नहीं था कि एक दुकान में मैडम सब कुछ फाइनल कर लेगी, नहीं तो आदत होती है ना अपनी, मेंटेलिटी होती है, 2-3 दुकानों पे जाएंगे, प्राइस कंपेयर करेंगे, सब कुछ करेंगे। फाइनली टाइम आ चुका है मैंगो शेक पीने का, और ये हमारी जनता खड़ी है यहाँ पे। हेलो, नहीं ना, बस लोग तुम्हें देख के खुश होते रहता, मुझे देख के कोई खुशी नहीं होता। आज इससे भी मंगा लेते हैं। और सर कैसे हो? बस सर कोई है। सर कोई हेलो हेलो कर ही जाया करो। नहीं मैम, मैं सर को ही जानता हूँ ना। ये मेरी बहुत तगड़ी मेज है, आज ऑर्डर इसको दे दे। भैया 2 मैंगो शेक कर दो स्मॉल, बढ़िया से। नहीं नहीं, आज इससे पिएंगे। बढ़िया से बनवा देना, 1 नंबर मैम। मैंने भी आपकी वीडियो देखी हुई है सर, क्या बात है, लाइक करा था सर मैंने। अच्छा थैंक यू, सारी वीडियो देख देख के। बढ़िया का मैंगो शेक कर लो मीडियम साइज का। ठीक है जी, दो फिर मैडम को भी पहचानने लग जाए। हाँ ये हुई ना बात, तुम कह रही इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई मेरी। कोई बात नहीं, मेरे साथ रहकर आदत हो जाएगी। क्या बात है, सब्बे वालों ने मिल्क शेक बनाने शुरू कर दिया आजकल। और क्या सर, आपके लिए खास करके मैं लेके आया हूँ जी। थैंक यू, थैंक यू मैम। सर के लिए? यस सर के लिए। मैंने ना तुझे पीट देना है मैम, वो कोई चक्कर नहीं, पर सर के लिए मुझे बोलो बहुत दिया करे, मैंने तुम्हें बहुत देना बंद कर देना। अब मैं क्या करूँ, मैं इसके होने वाली धर्म पत्नी हूँ मैम। तो क्या हो गया, जब आप हो जाओगे तब प्रॉपर भाभी जी। मैं ना ये लड़ाई करवाएगा, कह रहा हमारी वो लड़ाई कराए रख रहा, तू उसके चक्कर में मेरे से लड़ाई कर लेगी। कुछ कहना चाहोगे? शर्म है तभी नहीं बोल रहा। मैं उसको मिस कर, अभी मैं एक्चुअली तेरे साथ आया ना, मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो मुझे यादें आ गई कि ओ मोमोज नाम की चीज होती है। बस मोमोज कराया तमने? नहीं, स्प्रिंग रोल भी कराया। वो वही मैं सोचू, कॉम्बिनेशन है ना ये तो, मतलब अगर कोई मोमोज ले रहा है वो स्प्रिंग रोल ले ही लेता है,
क्योंकि बाद में तली चीज खाने में मजा ही कुछ और है। इस ट्रिप में मैंने इतना जंक फूड खाया ना, मोस्टली क्या होता है मैं अपना सारा टिफिन विफिन साथ में लेके जाती हूँ, चीजें लेके जाती हूँ जो मुझे खानी है। दिन के लिए टिफिन नहीं तैयार कर सकते, इतने दिन के लिए आप कुछ ऐसे लेके नहीं जा सकते हो। मतलब ये भी मेरा आगे स्प्रिंग रोल भी आ गए। जंक फूड खाने के बाद ना मुझे कहावत याद आ गई उनका शायरी, वाह पेश कीजिए। सेहत झंडवा फिर भी खाने में घमंडवा, वाह वाह क्या बोलूं। और माता जी आज बनाने लगी है खाना। मम्मा घर पे आम है? नहीं, हंस के रहे हो। कल से वो आम लेके आने हैं। पापा बोलते 20 किलो, आदमी बोलता 10 किलो। लेके कोई नहीं आया। अच्छा कैलकुलेशन करने 10 किलो 20 किलो 50 किलो। तो यार मैंने एक्चुअली बाहर मोमोज वगैरह खा लिए, तो मैं सोची थी कि आम खा के सो जाऊंगी। पापा बोल रहे थे आम ले। अरे तुम्हारे आम के बाग है, परंतु हमारा वहाँ पे चक्कर नहीं बच पा रहा क्योंकि हम इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड है। 3 दिन से लारा लगाया हुआ है, आम लेके आऊंगा आम लेके आऊंगा आम लेके आऊंगा। तो मैंने पापा को भेजा है आम लेने। पापा आम लेने गए हैं? पापा कह रहे अगर कोई दिखा रास्ते में लेट ज्यादा हो गया ना। मैंने भी उन कार से बाहर मोमोज वगैरह खा लिए, तो मैंने सोचा आम खाऊंगी। तू टुंडी है? अरे मेरे को क्या पता, मेरे को लगा घर पे शायद आम होंगे ले आए होंगे तुम। हेल्दी खाना शुरू कर दे यार, डाइट इतनी। कल से सुबह से वर्कआउट शुरू हुआ मेरा, ये हाई फाइव वर्कआउट डाइट प्रॉपर। ठीक है थैंक यू फॉर दिस मोटिवेशन आदित्य गौतम। नाउ गेट आउट। वॉकर नहीं ऊपर छत पे? अभी मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को काम भी करना है और थोड़ा सा भी, मेरे को थोड़ी सी सांस लेनी थी, मैंने कहा थोड़ा लेट जाता। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये ले सांस ले लिया, चले छत पे जाते हैं। मन नहीं करता ना इतनी गर्मी छत पे भी, अभी मेरे को काम करने दे। चल ठीक। डैडी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड आंचल दीदी, यू आर सेम, यू बिलोंग टू सेम ब्रीड, यू अंडरस्टैंड। चलो सो जाओ। आंचल दीदी की तरह हरकतें नहीं करनी है, प्यार से रहना डैडी, ऐसे दंगिया नहीं मारते। आंचल कैसे आ जाएंगे? डैडी देखो दीदी आपसे कितना प्यार कर रही है, कितनी प्यार से इरिटेट कर रही है आपको। मुंह पे तंदी मार दी मैंने। ओए डैडी नो, मम्मी मारेगी, मम्मी मारेगी, मम्मी मारेगी। डैडी उठो। कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू हैव डिनर। मैंने सोचा था आम खाऊंगी, परंतु आम का प्रबंध नहीं हो पाया। जब से मैं बाहर से आई हूँ ना, मुझे अपने फेस पे इतनी ज्यादा से टैनिंग सी लग रही है ना, तो एक दिन हमें निकालना पड़ेगा जिस दिन हम बैठ के प्रॉपर अपना फेस ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्यूटी या ब्यूटी टाइम जो भी बोलते हैं वो निकालेंगे। यार दीदी हमें थोड़ा वो भी वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, वर्कआउट टाइप्स। वर्कआउट टाइप्स? हमने भाई गंद खाया, इतना जंक फूड, इतना जंक फूड मैंने लाइफ में कभी, सच्ची में लाइफ में कभी नहीं खाया। ऑप्शन ही थी चिप्स के पैकेट इतने, मैं लिटरली मैंने इतने ज्यादा चिप्स कभी लाइफ में नहीं खाए। नमकीन मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं खाई भर भर के जितनी मैंने इस ट्रिप पे खाई है। चॉकलेट्स, बाय गॉड इतनी सारी चॉकलेट्स मैंने कभी नहीं खाई। मंच मैंने मुश्किल से मेरे ख्याल से लाइफ में एक या दो बार खाई होगी, और इस ट्रिप में मेरे को लगा मैं 10-15 मंच खा चुकी हूं। बहुत कुछ था ही नहीं, ऑप्शन ऑप्शन नहीं था, क्योंकि रास्ते में आप रुको तो या तो आपको मैगी, ओ मैगी मैगी खा के तो हम पागल हो गए। मैं बहुत ही ज्यादा थकावट फील कर रही हूँ, तो मैं सोची कि मैं भी सो जाऊं, दिस इज राइट टाइम टू स्लीप। एडिटिंग करूंगी मैं सुबह उठ के। अब मैं आपको मिलूंगी कल अगले ब्लॉग में, अब मैं आपको बोलूंगी कल अगले व्लॉग में, तब तक लिए बाय गुड नाइट। शबक है कई बार ऐसे टंग स्लिप हो जाती, इतना बोलते हैं ना बड़ 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 बड़, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है। पहले मैं सबसे पहले पानी पीऊं।